वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जिम्बाब्वे ने वेस्ट इंडीज को हराकर किया उलटफेर। वेस्ट इंडीज की टीम 35 रन से हारी मुकाबला। जिम्बाब्वे ने विश्व कप क्वालिफायर के पहले चरण में शनिवार को वेस्ट इंडीज को 35 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। वहीं वेस्ट इंडीज को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे विश्व कप क्वालिफायर में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिकंदर रजा और रियान बर्ल के अर्धशतक की बदौलत 50 ओवर में सभी विकेट खोकर 268 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम काइल मायर्स के अर्धशतक के बावजूद 44.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 233 रन ही बना सकी। वनडे विश्व कप क्वालिफायर में जिम्बाब्वे की ये लगातार तीसरी जीत है। ग्रुप में 3 जीत के साथ जिम्बाब्वे की टीम 6 अंक के साथ शीर्ष पर है और टीम सुपर सिक्स में पहुंच चुकी है, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम 3 मैच में 2 जीत और 1 हार के साथ तीसरे स्थान पर है। टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा। रजा ने ऐसे समय में 58 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के के साथ 68 रनों की पारी खेलते हुए पर्ल के साथ 87 रन की बहुमूल्य साझेदारी की। पर्ल ने 57 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्का लगाकर 50 रन का योगदान दिया। वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज काइल मेयर्स ने अर्धशतक जड़ा, लेकिन उनके आउट होते ही जिम्बाब्वे ने मुकाबले में वापसी करना शुरू की। कप्तान साई होप 30 रन और निकोलस पूरन 34 रन और जेसन होल्डर 19 रन अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी पिच पर पांव नहीं जमा सके। रॉस्टन चेज ने 53 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 44 रन बनाकर अकेले संघर्ष किया, लेकिन 43वें ओवर में चटाना ने उन्हें शिकार कर वेस्ट इंडीज की सभी उम्मीदें समाप्त कर दी। चटारा ने अलजारी जोसेफ के रूप में वेस्ट इंडीज का 10वां विकेट भी चटकाया और जिम्बाब्वे की जीत पर मोहर लगाई। ग्रुप ए से जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और नीदरलैंड विश्व कप क्वालिफायर के सुपर सिक्स चरण के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नियमों के अनुसार विश्व कप क्वालिफायर के सुपर सिक्स में पहुंचने वाली अन्य टीमों के खिलाफ अर्जित अंक विश्व कप क्वालिफायर के उस चरण में शामिल होंगे। वेस्ट इंडीज और नीदरलैंड को पहले चरण में हराने के कारण जिम्बाब्वे 4 अंकों के साथ सुपर सिक्स में प्रवेश करेगी।